जय काली, जय काली। जहाँ के पंडित जी हैं, जय श्री राधे। खड़ी चढ़ाई है एकदम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। नौ दुर्गा की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसे ही हम लोग कामना करते हैं। तो आज क्या है, दशहरा के बाद वाला दिन है, तो हम लोग यहाँ घूमने आए थे सतपुड़ा घाटी। सतपुड़ा घाटी नरसिंहपुर से बचई छोटा सा ग्राम है, उसके पास ही है, मतलब बचई में ही है। तो वहाँ पर माँ कल्याणी का मंदिर है, वो हमारे सामने है, और यहाँ पर देवी जी की स्थापना भी करी गई थी, जो अभी निकली उनकी पालकी सवारी विसर्जन के लिए पूरे गाँव में भ्रमण करेगी। जे बचाई गाँव पूरा, हम लोग बहुत ऊपर आए हैं तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो गाइस यहाँ चारों तरफ का व्यू लीजिए। जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये माँ कल्याणी का मंदिर है सतपुड़ा घाटी पे बचई, जहाँ के पंडित जी हैं। जय श्री राधे, जय माता दी। तो हम लोग अभी क्या सतपुड़ा घाटी के ऊपर बैठे हुए हैं, माँ कल्याणी का मंदिर है, हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, कुछ मंदिर के अंदर ही बैठे हैं। सुंदर मंदिर है, काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा है यहाँ बैठे हुए हम लोग। सामने से हम बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग, सामने से घर छोटे छोटे दिख रहे हैं। हम समस्त ग्रामवासी निगमवासी जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँच रही हो, आप सभी चौकन्ने रहे। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, जय सवारी जो है वो निकल चुकी है विसर्जन के लिए पालकी में बैठा के। तो सामने आप जो झूला देख रहे हैं, एक मिनट, जो झूला है माता जी इसी पे विराजमान थे। जोर से बोलो, जय काले, जय काले, जय काले। हम मंदिर से निकल रहे हैं, ये घाटी है, यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। खड़ी चढ़ाई है एकदम, ब्रेक फुल है, गियर से कंट्रोल करने। आदमी जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाता ना, फिर वो टेंशन नहीं लगे। मंदिर पहाड़ी पे देख रहे हैं, हम लोग वहीं से अभी नीचे उतर के आ रहे हैं, वहीं पे गए थे हम लोग। बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पर, इसलिए सोचा आप लोग को दिखा दें, बहुत अच्छा लग रहा है। और पंडित जी हमको वहाँ पे पंडित जी खड़े हैं, हमको बुला रहे हैं, एक सेकंड। जय माता दी, जय कल्याणी धाम। माँ कल्याणी के प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत दर्शन कर पा रहे हैं, एवं श्री शारदीय नवरात्र में हजारों की संख्या में माँ कल्याणी धाम सतपुड़ा गढ़बचई पर क्षेत्र से, जिले से, आसपास के प्रदेशों से ये दर्शन करने के लिए। इस मंदिर का अपना एक वैदिक पौराणिक महत्व है। कहते हैं पौराणिक महत्व में महाराज जो विराट थे, विराट जिनकी पुत्री उत्तरा एवं पुत्र उत्तर थे, उन विराट की नगरी है। इसका प्राकृतिक पौराणिक नाम है कंचनपुरी, जो बरहेटा का नाम सुने होंगे, वो विराट नगरी, बरहेटा की राजा जो विराट थे उनकी कंचनपुरी ये नगरी थी। यहाँ स्वर्ण भंडार रखा जाता था, और यहाँ पास में एक सरोवर तालाब, वहाँ कीचक की गर्दन, उनके सेनापति की भीम ने जो गर्दन तोड़ी थी, वो गर्दन यहाँ पर सरोवर में, तालाब में। हाँ,
गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में राजाओं का उल्लेख आया है। अच्छा, तो परम प्रथम श्लोक कहता है धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेता योत्सवा माम का पांडवस्य वैकुम कुरुवत संजय। विराट की जो पुत्री उत्तरा है, उत्तरा का विवाह महाराज अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु अभिमन्यु के साथ हुआ, जिनके पुत्र का नाम पड़ा परीक्षित। लगातार 35 वर्षों से इस मंदिर में हम समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी शारदीय नवरात्र चैत्र नवरात्र का आयोजन करते हैं एवं सभी के सहयोग से भव्य आयोजन चलते आ रहा है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री साईं। दीपावली की दोज जो होती है भाई दोज, जो दोज होती है उस दोज के दिन यहाँ मड़ाई भरती है। मड़ाई वो एक ही दिन के लिए रहती है बस? एक दिन के लिए भव्य मड़ाई होती है, भव्य मड़ाई देवी जी के प्रसन्नता के लिए होती है। अच्छा, मड़ाई।